दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई नए साल 1 जनवरी 2022 से एक नया नियम लागू करने की प्लानिंग में था और वो था कि टोकनाइजेशन सिस्टम यानी कि ऑनलाइन पेमेंट करने का पूरा तरीका ही बदलने वाला था। आरबीआई टोकन सिस्टम लागू कर रहा था लेकिन कल शाम को इस पर खबर आई कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने इसको 6 महीने तक के लिए आगे बढ़ा दिया यानी कि अब 30 जून 2022 तक ये टोकनाइजेशन सिस्टम लागू नहीं होगा। परंतु फिर भी आपको एक बात जरूर जान लेनी चाहिए कि आखिर 6 महीने बाद क्या नया मसला आने वाला है। सभी बैंक खाता वालों के लिए जरूरी है जानना, चाहे आपका बैंक खाता किसी भी प्राइवेट बैंक में है या सरकारी बैंक में है, भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, पीएनबी, केनरा बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, यस बैंक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किसी भी बैंक में आपका खाता है ना, तो अगले 6 महीने में क्या बड़ा बदलाव होने वाला है और पूरे देश में ऑनलाइन पेमेंट की दुनिया ही बदल जाएगी। यूं समझिए कि ऑनलाइन का पूरा बैंकिंग सिस्टम ही बदल जाएगा। आखिर क्या है इतनी बड़ी चीज ये टोकनाइजेशन, तो आइए इस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं और मैं आपको एक एक चीज क्लियर समझाने की कोशिश करता हूँ, कांच की तरह क्लियर बताऊंगा कि टोकनाइजेशन रूल्स क्या है, ये टोकन सिस्टम कब से लागू होगा, ये धोखाधड़ी से आपको कैसे बचाएगा, टोकन क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है, उससे क्या क्या लाभ और हानि है, यानी कि टोकनाइजेशन के प्रोज एंड कॉन्स भी जानेंगे और क्या ये सर्विस फ्री होगी या इसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो आइए नजर डालते हैं टोकनाइजेशन के ऊपर कंप्लीट डिटेल पर। जैसा कि नाम से आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि टोकनाइजेशन मतलब इसमें टोकन सिस्टम लागू होगा। अब टोकन जब भी अपन कहीं सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई रेस्टोरेंट या होटल वगैरह का या कोई लोकल दुकानदार या मॉल वगैरह कई बार टोकन सिस्टम अपने लेवल पर रखते हैं। यहाँ पर इस टोकन का मतलब उनसे बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि ये उस तरह का टोकन नहीं है बल्कि पूरे देश में चलने वाला एक ग्लोबल टोकन होगा, डिजिटल टोकन होगा। और सीधे शब्दों में बोले दोस्तों तो इसका नाम होगा कार्ड टोकनाइजेशन, यानी कि आपके एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को एक टोकन में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह का आरबीआई का ये सिस्टम होगा। अब टोकन में कन्वर्ट करने से आपको क्या फायदा होगा, जैसे अभी आपको कहीं पर भी ऑनलाइन पेमेंट करना होता तो आपके एटीएम कार्ड के नंबर डालने पड़ते हैं, उसका सीवीवी डालना पड़ता है, एक्सपायरी डेट डालनी पड़ती है, उसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आता है और वो ओटीपी डालना पड़ता है, देन पेमेंट होता है, राइट। यहाँ पर एक सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि मान लीजिए आप जिस किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, कहीं पर भी अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, ठीक है ना, आपको ये कैसे विश्वास होगा कि सामने वाले जो कंपनी, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है आपका, वो आपकी कार्ड डिटेल का मिसयूज नहीं करेगा, ये आप कैसे श्योर हो पाओगे, एक सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, राइट। मतलब कि जो भी कंपनी पर आप पेमेंट कर रहे हो ना, वो अगर आप उसके पास आपके कार्ड की डिटेल चली गई, कार्ड के नंबर, सीवीवी, एक्सपायरी डेट तक भी चली गई, तो हो सकता है कि वो आपके कार्ड की डिटेल का मिसयूज कर ले, ये डाउट रहता है, राइट। लेकिन अब आरबीआई के टोकनाइजेशन सिस्टम के लागू होने के बाद आपके मन में ये शंका बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि जहां कहीं भी आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे ना, वहां पर आपको आपके कार्ड की ओरिजिनल डिटेल डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी हाँ, इन सिंपल आपके कार्ड की डिटेल से आपको एक टोकन मिल जाएगा। अब ये जो टोकन सर्विस प्रोवाइडर होंगे ये आरबीआई की तरफ से रजिस्टर्ड होंगे, ऑथोराइज होंगे और इसीलिए आप इन पर बिलीव कर पाएंगे। जैसे कि अभी भीम ऐप है, सरकार का खुद का ऑफिशियल यूपीआई पेमेंट ऐप है, तो उस पर हमें ट्रस्ट होता है कि ये इंडियन गवर्नमेंट का ऐप है, यहाँ पर हमारे साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होती है, राइट। ठीक वैसे ही जो टोकन सर्विस प्रोवाइडर होंगे जो आपके कार्ड की डिटेल से टोकन कन्वर्ट करके देंगे, वो भी आरबीआई की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑथोराइज होंगे। तो वो क्या करेंगे, आपके एटीएम कार्ड की डिटेल, सीवीवी, एक्सपायरी डेट, उन सबको मिला करके आपको एक यूनिक आईडी नंबर दे देंगे और वो यूनिक आईडी नंबर टोकन होगा। जिस तरह से सिंपली अपन अभी ऑनलाइन कहीं पर भी पेमेंट करते हैं यूपीआई आईडी के जरिए भी कर सकते हैं, जैसे कि आपके मोबाइल नंबर 8YBL डाल दिया तो आपका फोन पे के जरिए वो पेमेंट हो जाता है और ये भी काफी सेफ तरीका है इन कंपैरिजन टू आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो। लेकिन इससे भी सेफ तरीका होगा टोकनाइजेशन सिस्टम लागू होने के बाद, फिर क्या होगा कि आपके कार्ड की डिटेल का आपको एक यूनिक नंबर मिल जाएगा, टोकन मिल जाएगा, ठीक है ना। उस टोकन को आप कहीं पर भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, कहीं पर भी ऑनलाइन पेमेंट करना हो आपको, चाहे POS वगैरह पर, कहीं पर भी आप उस टोकन को इस्तेमाल कर पाओगे। उस टोकन में आप यहाँ तक की लिमिट भी सेट कर पाओगे कि इसमें 5,000 तक का, 50,000 तक का पेमेंट हो पाएगा। तो इससे ये होगा कि आपके खाते से जो आए दिन साइबर फ्रॉड, धोखाधड़ी की, फर्जीवाड़े की खबरें सामने आती रहती है ना, कि फलां के बैंक खाते से 2,00,000 रुपए उड़ा दिए, उसके बैंक खाते से 50,000 रुपए कट गए, तो वो समस्या आपके पास नहीं रहेगी। इन सिंपल एक शब्द में बोलूं दोस्तों तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे भारत का सेंट्रल बैंक है, वो बैंकिंग सिस्टम को, आपके बैंक खाते को और ज्यादा सिक्योर करने के लिए ये नया सिस्टम लागू करने जा रहा है देश भर में। तो ये टोकन सिस्टम आपको थर्ड पार्टी सिक्योरिटी रिस्क से भी बचाता है, आपकी ऑनलाइन सेफ्टी बढ़ जाती है। अच्छा, अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा दोस्तों कि क्या टोकनाइजेशन सर्विस का लाभ लेने के लिए आपको किसी तरह का सर्विस चार्ज देना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी नहीं। ये सर्विस आरबीआई की तरफ से बिल्कुल फ्री होगी, यानी कि आपको अपने डेबिट
क्रेडिट कार्ड से टोकन बनाने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा शुल्क एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यानी कि आरबीआई की तरफ से ये सर्विस बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज होगी, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो आपके टोकन के जरिए पेमेंट होगा ना, उस पर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि टोकन सिस्टम के तहत होने वाले ट्रांजेक्शन के लिए कार्ड पेमेंट कंपनी को ही रेस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार माना जाएगा। अभी देश में कौन कौन से बैंक कार्ड टोकनाइजेशन सिस्टम को शुरू करने जा रहे हैं, उनमें शामिल है SBI, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, SBI कार्ड्स, फेडरल बैंक्स, डेबिट कार्ड्स, HSBC, इंडिया क्रेडिट कार्ड्स बैंक्स वगैरह, इनको RBI ने अभी तक इसमें शामिल भी कर लिया। और यहां तक कि गूगल पे और कार्ड टोकनाइजेशन की सुविधा भी शुरू होने जा रही है। आपको पता होना चाहिए कि गूगल पे अपने SBI समेत कई बड़े बैंकों के साथ मिलकर कार्ड टोकनाइजेशन की सुविधा को प्रारंभ कर रहा है। इस सुविधा की मदद से यूजर्स अपने फोन से जुड़े डिजिटल टोकन के जरिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पेमेंट करने में सक्षम हो जाएंगे। कहने का मतलब आप कहीं ऑनलाइन पेमेंट भी कर दोगे और आपकी डिटेल भी नहीं जाएगी कि किस कार्ड से पेमेंट किया, कौन से बैंक खाते से पैसे कटे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इट विल बी सेफेस्ट ऑप्शन टू पेमेंट इन द ऑनलाइन वर्ल्ड, राइट। तो उम्मीद है टोकन सिस्टम को लेकर ये सभी FAQs सवाल जवाब आपको जानने मिले होंगे। और भी आपके मन में इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना, और आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।